हेलो एवरीवन, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है क्लास 11 का फोर्थ चैप्टर। चैप्टर का नाम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं आज, हमने कुछ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स किए थे। नाउ आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है? जब भी कोई एलिमेंट Whenever some elements combine to form compounds, जब elements आपस में combine हो रहे हैं, जैसे C plus O2, carbon element, oxygen element और इन्होंने compound बनाया CO2, ठीक। तो जब elements आपस में combine हो रहे हैं और compounds बना रहे हैं, ठीक, तो ऐसा नहीं कि कोई भी element कुछ भी कहीं भी कैसे भी react कर जाएगा और compounds बना देगा। ये जो elements combine हो रहे हैं ये कुछ laws को follow करते हैं। क्या बोलो? जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक, तो इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ और प्रोडक्ट्स बना, तो ये कुछ लॉस को फॉलो करते हैं एंड इन लॉस को हम लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि वो लॉस क्या है। तो पांच बेसिक लॉस है केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला द इजीएस्ट वन, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Fourth, law of reciprocal proportion. And the last one is Gay-Lussac's law of combining polymers. ठीक, तो कितने laws हैं? पांच laws हैं हमारे पास। There are five basic laws of chemical combinations. ठीक है, तो now we are going to discuss them one by one. ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको discuss करने वाले हैं। ठीक, now first one is, A1 is law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, गिवन बाय लेबुजियर ने दिया था। और इसका जो एक्सपेरिमेंट, लेबुजियर ने सिर्फ थ्योरी बोली थी लेटर्स की, ठीक है, थ्योरी मतलब इसने सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, उसको जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई या सर्टिफाई किया वो लैंडलॉक ने। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल सर्टिफिकेशन जो आया, दैट वाज गिवन बाय लैंडॉट, LANDOT, ठीक है बच्चों, ठीक। तो नाउ व्हाट इज द लॉ स्टेट्स, लॉ क्या बोलता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में, जो हेडिंग है उसी से समझ में आ रहा होगा। ये बोलता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है, द टोटल मास रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये बोलता है जब आप किसी फिजिकल चेंज, नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फिजिकल और सेकंड वन इज केमिकल। नाउ जब हम बात करते हैं फिजिकल की बात हम करते हैं, तो हम जैसे बोलते हैं, सपोज आई गॉट अ बीकर, मेरे पास एक बीकर है, इसमें H2O है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि आइस है, और सपोज इसका वेट जो है वो 18 ग्राम है, ठीक है, इसका वेट जो है 18 ग्राम आइस मेरे पास है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा, ये सिंबल हीट के लिए है, तो क्या होगा, जो सॉलिड आइस है ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ये क्या हो गया, H2O लिक्विड हो गया। तो वो बोलता है दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मींस द फिजिकल स्टेट इज चेंजिंग, केमिकल कंपाउंड सेम। केमिकल कंपाउंड क्या है? H2O है भी कौन, H2O, तो केमिकली दे आर सेम, ठीक है, बट फिजिकली दे आर डिफरेंट। ये सॉलिड था, ये लिक्विड हो गया। अब ये बोलता है कि अगर ये 18 ग्राम है, तो जो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो ठीक है, जो वाटर है, लिक्विड वाटर है, उसका वेट भी 18 ग्राम ही होगा। दिस इज द फिजिकल चेंज। व्हाट अबाउट द केमिकल चेंज? जैसे हम केमिकल चेंज में आते हैं, तो केमिकल चेंज का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, सॉलिड है, ग्रेफाइट लिख सकते हैं इसकी जगह, प्लस O2 है, ये गैस है, गिव्स यू CO2 गैस है, एग्री, ठीक। तो वो बोलेगा कि सपोज कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो एटम का मास हो गया 32 ग्राम, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये पूरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का कंबाइंड मास, अभी रिएक्टेंट का कंबाइंड मास कितना है,
44 ग्राम। ठीक, अब ये प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट का मास भी क्या होगा, 44 ग्राम होगा। ठीक, यानी जब एक केमिकल चेंज हो रहा है तो ना तो मास बढ़ रहा है ना तो मास घट रहा है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, तो मास है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। मास कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब अभी आपको ये लग रहा है कि जितना मास रिएक्टेंस का है उतना मास प्रोडक्ट का है। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, नोट करते रहना बेटा, हाँ नोट आपको करते रहना है, नोट आपको करते रहना। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ होल ऑफ रिएक्टेंट, होल ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इफ होल ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देन लॉ ये बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब सपोज यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे O2 है, सपोज हम जो मास ले रहे हैं, मैंने बोला मास टिक है, सपोज मैंने 24 ग्राम्स लिए और इसका 32 ग्राम्स लिया। ठीक है, तो CO2 कितना बनेगा? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका 24 ग्राम्स लूंगा, ठीक है, मास यूज कितना हुआ, 24 में से सिर्फ 12 ग्राम यूज हुआ, तो कितना बच गया, 12 ग्राम। ठीक है, ये पूरा 32 ग्राम्स रिएक्ट कर दिया तो यहाँ कितना बचा, 0 ग्राम, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 44 ग्राम्स। हाँ या ना? ठीक है, तो केस सेकंड क्या हुआ कि ठीक है, एफ 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 वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले रिएक्शन में क्या था, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता और कार्बन पूरा का पूरा रिएक्ट करता। ठीक है, बट इस बार जो हमने मास लिया है वो कार्बन का 24 ग्राम लिया है और 24 में 24 में से सिर्फ 12 ग्राम ही रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम बच रहा है। ठीक है, ये 32 ग्राम लिया था ओरिजिनली, वी हैव टेकन 32 ग्राम और ये 32 को 32 रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है, इट विल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, देन ये रिएक्शन होगा। हाँ, देन अब हम क्या बोलेंगे कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है। ठीक है, हमने लिया कितना था, 24 24 प्लस 32, ठीक है, कितना हुआ, 24 प्लस 32 कितना लिया हमने, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, कितना लिया था हमने, 6 और 5 56 ग्राम लिया था, ये कितना बचा। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था इस केस में, 56 ग्राम, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्ट। टोटल मास कितना लिया था हमने, 56 ग्राम, 24 प्लस 32 ये था टोटल मास ऑफ गैस, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बना, 44 ग्राम, और ये मास ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना बचा, 12 ग्राम। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आएगा, 56 ग्राम। समझ में आया? तो अगर पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि कुछ रिएक्टेंट बच गया है, तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लिखा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो हमने लिया दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बोलिए भी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे चले,
ठीक। अब देखिए क्या, ठीक है, इसमें कुछ ठीक है ना, नोट क्या है ना, एक बड़ा नोट मैं आपको बताया था, नोट ये है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। बस आपको फिलहाल ये याद रखना है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जब न्यूक्लियर रिएक्शंस कभी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है या फिजिकल चेंज के लिए एप्लीकेबल है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। तो इसको यहाँ पे क्लियर कर लें, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपका, फर्स्ट लॉ कंप्लीटेड आया ना। तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन इसको कर देता हूँ, ठीक है, उसने बोला, उसने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है, इज डीकंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, उसने बोला कि मेरे पास CaCO3 है और मैं इसको डीकंपोज कर रहा हूं, जब उसको हीट करते हो तो CO2, CaO और CO2, ठीक है, ओके, इफ ए पार्ट, ठीक है, ध्यान देना प्लीज, ठीक है, ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म, ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ CaO4, ठीक है। अब रिएक्शन को दोबारा से लिखेंगे, CaO है प्लस CO2 है, इसका वेट कितना लिया 100 ग्राम, इसका वेट कितना है 44 ग्राम, तो वेट ऑफ CaO कितना आएगा, वेट ऑफ CaO कितना आएगा, दिस माइनस दिस, चलो इसको मान लेते हैं x, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 100 टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू x प्लस 44, यानी कि x इज इक्वल टू 100 माइनस 44, दैट इज 56 ग्राम, कितना 56 ग्राम, ठीक है ना। ये क्या था, जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गया तो कितना CaO बनेगा, तो वही मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स की हेल्प से हम इस नंबर को आराम से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड लॉ, एंड द सेकंड लॉ इज, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। चलिए बेटा सेकंड लॉ पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलता है ये लॉ, लॉ मैंने लिखा हुआ है, इट वाज गिवन बाय प्रोस्ट, PROUST। अब देखो पहले लॉ सुन लेते हैं, सबसे इजी लॉ है, ठीक है। उसने बोला अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। उसने बोला एक केमिकल कंपाउंड पकड़ लो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एग्जांपल H2O। नाउ अगर मैं बोलूं सोर्सेज ऑफ H2O, पानी के सोर्सेज क्या क्या है भैया, रेन वाटर, ठीक है, टैप वाटर, रिवर वाटर, कंपाउंड कौन सा है वाटर, उसके सोर्सेज क्या है, रेन वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर, और कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो बचपन से आपने पढ़ा है कि भैया एसिड को जब हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, देखिए यहां पर भी वाटर मिल रहा है ना। तो केमिकल कंपाउंड या और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं वाटर को जनरेट करने के, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है, प्रोसी बोल रहा है
कि केमिकल कंपाउंड वाटर, इस केस में वाटर चाहे कहीं से भी आए, बट उसके अंदर जो मास एलिमेंट्स के मास का रेशियो है वो फिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O की बात करूं, इसके अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, दो हाइड्रोजन का एटम है तो इसका मतलब 2 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो हम लिखते हैं 16 ग्राम, तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालूं तो 1:8 आएगा। अब चाहे पानी, पानी यानी कि वाटर, चाहे रेन वाटर आए, चाहे टैप वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बने या किसी और सोर्स से बने, ठीक है, उस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस कंबाइन है, क्या बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस कंबाइन है वो 1:8 में है और वो सबके अंदर सेम रहेगा, ठीक है, सबके अंदर सेम रहेगा, यानी कि मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर विल ऑलवेज बी 1:8, मेरे ख्याल से क्लियर है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसका एक एक्सेप्शन है, अब एक्सेप्शन क्या है, और एक्सेप्शन को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, होता है नहीं होता है, तो आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में, डिफरेंट मास नंबर, ठीक। तो जैसे मैंने बोला अगर वाटर है, अब वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन जो है उसका आइसोटोप है 16, या ऐसा भी हो सकता है कि वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन का जो एटम हो वो आइसोटोपिक मास उसका 18 हो, तो यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16 ग्राम, तो यहां पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:8, पर यहां पे हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 ग्राम, यहां पे ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 18 ग्राम, तो यहां पे रेशियो चेंज हो गया 1:9, समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहां पे देखो रेशियो चेंज हो गया, यहां पे रेशियो कितना आया, यहां पे रेशियो आया 1:8, ठीक है, ये 2 ग्राम है, ठीक है, ये 16 ग्राम है, ठीक है, ये 2 ग्राम है, ये 18 ग्राम है, इसको कैंसिल करोगे तो ये 1:8 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1:9 आएगा, हाँ, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मास का रेशियो चेंज हो गया। तो आइसोटोप्स में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब जगह पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड टू लॉज, नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ जो हमारे पास है बच्चों, थर्ड लॉ है हमारे पास, ये लॉ इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं पहले भी, उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, पहली बात किसने दिया, इट वॉज गिवन बाय डाल्टन एंड ड्रिफ्ट, गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, अब ये बात करता है कि दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो दो से ज्यादा कंपाउंड इस लॉ में बनने चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, ठीक है, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एलिमेंट विच कंबाइन्स विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब क्या है कि इस बार वो क्या बोल रहा है कि दो एलिमेंट को कंबाइन करो, दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाओ, पहली तो बात यहां पे आके रुक जाती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन को
जब हमने ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक का नाम है वाटर और एक का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुना होगा। ठीक है, ये मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बेटा। अगर एग्जांपल फर्स्ट से समझ में नहीं आया तो सेकंड पे जाएंगे, और सेकंड से समझ में नहीं आया तो थर्ड पे जाएंगे। ठीक है, पर आप साथ साथ नोट कर लीजिए। अब दो कंपाउंड बन गए तो हमने भी यही बोला कि टू और मोर देन टू कंपाउंड, तो हमने दो ही कंपाउंड की बात कर लेते हैं। अब क्या करना है, इन सबके मासेस निकालने हैं। ठीक, इसका मास कितना है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे 2 एच एटम है तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम, ये सबको पता है। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो उसने बोला इन अलग अलग कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए। क्या बोला, इन अलग अलग कंपाउंड्स में से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, कर क्या दिया वो तो पहले से ही है। ठीक है, तो दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन होंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनेंगे, इस केस में दो बन रहे हैं, उन कंपाउंड्स में सबके सारे एटम्स के मास लिख लीजिए, एक एटम के मास को फिक्स कर दीजिए, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए। फिर दूसरे एलिमेंट्स के मास देखिए, यहाँ पे क्या है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो जिसका मास फिक्स है उसको भूल जाइए, इसको नहीं देखना है। अब इसके मासेस को देखिए, इसके जो डिफरेंट मास है उस पर कंसंट्रेट करना है। तो इसके डिफरेंट मास क्या है 16:32, तो वो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, जैसे यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। ठीक है, तो टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर। ठीक है, दीज डिफरेंट मासेस आपस में दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, विल मूव ऑन टू सेकंड एग्जांपल, तीन एग्जांपल दूंगा बताने से। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर सेकंड। कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, दो कंपाउंड तीन कंपाउंड बनते हैं, पर हमने लिया CO और CO2। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 ग्राम, ठीक है सॉरी 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16:32, तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए, ऑलरेडी फिक्स है, जो फिक्स है तो उसको देखना नहीं है, जो डिफरेंट मासेस है उनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, है या नहीं है। ठीक है, अब इस लॉ का हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आपने नोट कर लिया। नाउ विल मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर थर्ड, दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में हमने बोला पहले हम ऑक्साइड्स के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5, ये पांच ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन को लिख लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, ऐसा है ना। तो पहले देख लेते हैं, नाइट्रोजन का एक एटम का मास होता है बेटा 14 ग्राम, यहाँ पे दो एटम्स है तो इसका मतलब 28 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, दो नाइट्रोजन का 28 ग्राम, तीन ऑक्सीजन का 43 ग्राम, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, दो नाइट्रोजन का 28 ग्राम और 16:5=80 ग्राम। ठीक है, ये कर लिया। अभी आपने सिर्फ क्या लिखा है, अभी आपने जो वेट है वो लिखा है, फिर क्या करिए कि फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लीजिए। सपोज मैं नाइट्रोजन के, आप ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों से आपका लॉ प्रूव हो जाएगा, पर मैंने कहा चलो नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब एक एलिमेंट के मास को आप कांस्टेंट कर देंगे तो दूसरे एलिमेंट के मास डिफरेंट हो जाएंगे, ERENT, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इनमें क्या होगा, इनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, नाइट्रोजन का मास जो
कॉमन हो, मतलब जो सब में सबसे डिविजिबल हो जाए, तो मेरे ख्याल से 14 कर देते, 14, 14, 14, 14, 14, हो गया। अब यहां देखिएगा इसका मास कितना था, एक्चुअल मास कितना था नाइट्रोजन का, N2O में 28 ग्राम, हमने क्या कर दिया इसको आधा कर दिया, तो ऑक्सीजन का मास भी कितना हो जाएगा आधा, 16 का आधा कितना 8, समझ में आ रहा है बच्चों, 28 का हमने आधा फिक्स कर रहे ना बेटा, एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट कर रहे हैं 14 ही क्यों, ताकि सब इजीली डिविजिबल हो जाए, इसका 14 है यहां पे 14 ने दिया तो 16 रहेगा, इसको हमने आधा कर दिया 14 कर दिया, नाइट्रोजन का मास देखिएगा 28 का हमने 14 कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा 24, ठीक है, इसके मास को 14 ने दिया तो यहां क्या हो जाएगा 32, इसका मास आधा किया 14 तो ये क्या हो जाएगा 40, तो हमने क्या था एक एलिमेंट के मास को अगर आप फिक्स कर देंगे तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके अलग अलग मासेस आएंगे उनमें एक होल नंबर रेशियो होगा, और अगर आप सबको 8 से डिवाइड करें तो 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40, ये देखिए दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, ये सिंपल होल नंबर रेशियो ऑक्सीजन के उन डिफरेंट मासेस का है जो नाइट्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं, तो मेरा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम है कोई आ गया, तो हमने क्या कर लिया, हमने आज तीन लॉ कर लिए और हम धीरे धीरे करके जाएंगे क्योंकि अभी 11th की स्टार्टिंग है, तो अभी हम बहुत तेजी से एकदम से लॉ नहीं करेंगे सारे के सारे क्योंकि हमें इनके क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ तीन लॉ पढ़ेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे लुसेक्स लॉ एंड विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल द फाइबर्स, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू सो मच।